माँ सरस्वती को प्रणाम कर, दिन की शुरुआत आज सुबह 9 बजे, एंड परमात्मा जी को दूर से ही प्रणाम कर और सूर्य देवता को दूर से ही हेलो बोलकर हम बैठ गए थे पढ़ने। और आप समझ गए होंगे दूर से मतलब क्या है। टुडे आई गॉट माय पीरियड्स एंड काफ़ी ज़्यादा पेन में थी मैं, रात को ढंग से नहीं सो पाई थी, सुबह जाकर ही मुझे अच्छे से नींद आई थी, तो इसलिए मैं लेट भी उठी आज। ओके, फिर हम क्या था, लेमन टी के साथ हम बैठ के हमारा एडिटोरियल की क्लास लगाने। एडिटोरियल की क्लास लगाना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आपको नए कंसेप्ट, नए वेज पता लगते हैं, किस लाइन को कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हो इजिली, आपको वो पता लगता है। ओके, सो इसीलिए क्लास इंपॉर्टेंट है। फिर मैंने जो वो दोनों एडिटोरियल टेलीग्राम में भेजे थे, तो मन्ना चौधरी के नेम से एडिटोरियल वो है, टेलीग्राम है, वही मैंने दोनों एडिटोरियल खुद से दोबारा से पढ़े। ओके, अच्छे से कि एग्जैक्टली मुझे कितने वर्ड्स के एंटीनियम सिनोनियम्स उनको पता लग रहा है मुझे, ओके याद हो रहे हैं वो वाली मैंने चीज़ की। फिर एक इंग्लिश का सेक्शन और मॉक मैंने लगाया था, जो प्रीवियस वन वीडियो में मैंने दिखा दिया था क्या रहा क्या नहीं रहा। उसके बाद मैं कंप्यूटर को रिवाइज़ किया था, पावर पॉइंट का पूरा चैप्टर मैंने रिवाइज़ किया था। ओके, 4 वीडियोज़ थी उसकी सर की, तो वो मैंने 2 मल्टीपल स्पीड पे करके रिवाइज़ कर दिया था। ओके, वो भी चलते फिरते, क्योंकि यार ज़्यादा सिटिंग मैं नहीं कर पा रही थी। फिर एक RRBPO Pre का मैंने मॉक लगाया था, और जो कि मैंने लगाया था गाइडली से। ओके, 6th नंबर मॉक लगाया था 2024 का, 5 तो मेरे ऑलरेडी हो चुके थे, 6th नंबर लगाया था, जो कि मुझे लगा आज काफ़ी इंप्रूवमेंट, थोड़ी मतलब काफ़ी तो नहीं, थोड़ी इंप्रूवमेंट हुई है। आज मैंने 26 मिनट्स में ही 40 out of 40 रीजनिंग के अटैम्प्ट कर लिए थे, सो मुझे सही लगा वो। ओके, तो आपके लिए मुझे मैथ्स में ज़्यादा टाइम मिल जाएगा, और यही अभी मेरा टारगेट भी है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा रीजनिंग में और कम से कम टाइम में अटैम्प्ट कर सकूँ, तो मैथ्स में मैं ज़्यादा मतलब ऐसा है मुझे टाइम मिल पाए। उसके बाद में फिर मैंने करंट अफेयर्स रिवाइज़ की, करनी तो मुझे 3 और 4 मई की थी, लेकिन मैं ज़्यादा सिटिंग नहीं कर पा रही थी, तो नोट डाउन भी नहीं कर पा रही थी मैं कुछ भी चीज़ें, तो मैं चल फिर के बस क्या किया, मैंने 1 से 15 अप्रैल की करंट अफेयर्स को रिवाइज़ किया, और 1 और 2 मई की, तो 17 दिन की टोटल मैंने करंट अफेयर्स को बस रिवाइज़ किया, एक बार रीडिंग ली। ओके, आज मैंने यही सब किया, आप भी बताइएगा आपका डे कैसा रहा और मिलते हैं कल की वीडियो में।